आज हम आ गए हैं मेरठ के घंटाघर में। मेरठ का घंटाघर तो सभी जानते हैं, लेकिन इससे जुड़े किस्से आप शायद ही जानते हो। मेरठ के घंटाघर का शिलान्यास 17 मार्च 1913 को हुआ था और करीब एक साल में यह बनकर तैयार हुआ था। इस घड़ी के पेंडुलम की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी। शहरी नहीं, आसपास के गांव के लोग भी इस पेंडुलम की आवाज से अपनी घड़ी का मिलान किया करते थे। मेरठ शहर के बीचों बीच इस घड़ी के लगते ही इस क्षेत्र का नाम भी घंटाघर पड़ गया। बताते हैं कि यहाँ लगने वाली घड़ी जर्मनी से मंगाई गई थी, लेकिन जिस समुद्री जहाज से घड़ी लाई जा रही थी वह जहाज डूब गया था। इंग्लैंड से वेस्टर्न एंड वॉच कंपनी की यह घड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी घड़ी को यहाँ लगाया गया। इसकी टिक टिक करती घड़ी हमेशा लोगों को सही समय बताती रही है। एक समय था जब पूरा ही शहर इस घड़ी के पेंडुलम की आवाज पर चलता और थम जाता था। इसके बराबर में ही टाउन हॉल है। शहर के बीचों बीच होने के कारण घंटाघर क्षेत्र में आजादी की लड़ाई के लिए समय होती थी। इस घंटाघर की खासियत यह थी कि हर घंटे बाद इसके पेंडुलम की आवाज 10 किलोमीटर की परिधि तक पहुंचती थी। उस समय आज की तरह का शोरगुल नहीं था, इसलिए इस घड़ी के पेंडुलम की आवाज को ही लोगों ने टाइम जानने का आधार बनाया हुआ था। लोग इस घड़ी की आवाज से अपना काम करते थे।